जनता के आइकॉन बने आप, बड़ी शुभकामना। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, पर आई लव यू मोर, आई लव यू मोर, हमारा आई लव यू मोहब्बत तारा। मैं पानी पानी हो गया। अब जरा से कैसे आर्टिस्ट है कि मेरे गुरु भी हैं, मेरे से पहले इन्होंने सिनेमा में आया, मेरे से उम्र में भी बड़ी है, सिनेमा में भी बड़ी है, अनुभव में भी बड़ी है। उम्र में बड़ा नहीं थी, उम्र में बड़े नहीं है, ज्यादा तेज मत बनिए आप। मैं इनसे डांस भी सीखा, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्ती और शायद आजीवन दोस्त रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है एक दूसरे पे, किसके साथ झगड़ा तकरार नहीं होता। कभी इनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी तो हम लड़ गए, हमारी बातें इनको अच्छी नहीं लगी तो ये लड़ गए। तो होता है सबको अपने थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें हमारी बीच दूरियां थी, लेकिन जब हम मिले तो इतिहास की तरह मिले। और एक अद्भुत आर्टिस्ट है, इनके साथ जो भी इंसान काम करता है इनके रूप में ढल जाता है। और आज इनको किसी की जरूरत नहीं है, खेसारी लाल अपने जगह पे बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन आज अक्षरा जी भी अपने जगह पे बहुत बड़ी है, और हर आर्टिस्ट अपने जगह पे बड़ा ही होता है। और अक्षरा को ये भी कहा जाता है कि भाई पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है, तो शेरनी के मतलब ये होता है कि किसी का बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि जिसको काम आता है वो किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा जब आता ही है भाई, तुझसे ज्यादा हम जानते हैं तो बर्दाश्त क्यों करेंगे। तो वो चीजें हैं। तो अक्षरा जी के नाम पे एक जोरदार आप सब ताली जरूर बजाइए। और एक औरत का सम्मान है, और आज के डेट में पूरे बिहार यूपी झारखंड के लड़कियों की एक्सप्रेशन है ये, लड़कियां इनको अपनी आइकॉन मानती है। हीरोइनें तो बहुत हैं, लेकिन पहली ऐसी हीरो इस बिहार और झारखंड यूपी की है जिनको लड़कियां अपनी आइकॉन मानती हैं, जिनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं। तो मेरी शुभकामना है अक्षरा जी आपके लिए कि ऐसे ही आप पूरी दुनिया का, अभी तो सिर्फ तीन राज्य की बनी है आइकॉन, मुझे मैं चाहता हूं कि पूरे 140 करोड़ जनता के आइकॉन बने आप। मेरी शुभकामना। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, पर आई लव यू मोर, आई लव यू मोर, हमारा आई लव यू मोहब्बत तारा। मैंने हमारा आई लव यू में कीड़ा पड़ल बता, मैंने हमारे किरदार बात कोई नहीं। आज आप भी इन्हीं से प्यार करती हैं, हम भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हमारा अस्तित्व इन्हीं की वजह से है। अगर आज ये मोहब्बत नहीं की होती तो शायद आज भी खेसरिया भैंसे चराता होता। आपकी मोहब्बत ही है ये खेसारी को। हम आई बिग बॉस में गनी सब करने बाद भोजपुरी के कहूँ जाते नहीं थे, टैलेंट रहता हूँ जाइए। ऐसा नहीं है, हमारे भोजपुरी में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत लोगों के पास हुनर है, लेकिन सब आप सबका प्यार है, हर आदमी को आगे बढ़ाना है आप सबके मोहब्बत करके। थैंक यू सो मच। चलिए दीपावली हम क्यों मनाते हैं और दीपावली के शुभ अवसर पे, हाँ मुझे भी प्रॉब्लम लग रहा है, बाहर आवाज नहीं जा रही है तो थोड़ा सा देख लीजिए ऑपरेटर साहब। लक्ष्मी पूजा समिति चमातू जाए। 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 थोड़ा सा इधर चुम्मा उम्मा दे दीजिए ना, इधर अक्षरा जी, अक्षरा जी उधर मत दीजिएगा ना तो कई को कूद के जान दे देगा, इधर दे दीजिए, इधर नहीं तो कई को इधर में मतलब के पॉइंट खराब कर रहे हैं सब। हाँ इधर पॉइंट इधर है। आई तो राम जी की बात है, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, जब भगवान राम अयोध्या आए थे तब हम लोगों ने दीपावली मनाई, तो उसी भगवान राम के लिए हनुमान के लिए एक गाना। हर की पाता लगवला तूता,
एक बढ़ाऊंगा, एक बढ़ा दीजिए। हनुमान जी से लंका हो जाई के लंका जरवला सीता माता के पाता लगवला लंका हो जाई के जरवला सीता बता के पता लगवला के हनुमान के झारखंड में शो किया है, लेकिन इतनी भीड़ मैंने अपने लाइफ में झारखंड में कभी नहीं देखी। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए कि आप लोग इस बेटे से और इस बेटी से इतना प्यार करते हैं आप लोग, चाहे अक्षरा जी हो, चाहे मैं हो, या आपके भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, आपके प्यार के बिना हमेशा वो अधूरा रहता है। आप हैं तो मुझे लगता है कि आज से कुछ दिन पहले, आज से 3 महीने पहले लगातार 3 मंथ तक आपका अपना बेटा, आपका अपना भाषा पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 पे था, जिस गाने का नाम था कि ना जब छुपा पता चला घर में हो ले ले जाइए तो पोता को
निकाला पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे गूगल को सबसे टॉप पे 3 महीने तक लगातार रहा, जबकि ऐसा कभी भोजपुरी में हुआ नहीं। तो आप सबका मोहब्बत ही है, आपका अपना भाषा, आपका अपना बेटा पूरे ब्रह्मांड में नंबर वन पे रहता है, जबकि इतनी सारी भाषाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी लेके आए भक्त भगवान से का लस कि सुनरी के मुनरी तू तब खेला आज मन सीता से भइल जानकी ताके हम रवि भी आपका साउंड का इतना बड़ा नाम है और आप ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं। अच्छा बैक से आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे ना, शायद आवाज हमारे इंस्ट्रूमेंट को मिलेगी। तीन लोग को बजाने में दिक्कत होता है ना कि आवाज नहीं आती तो उनको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा साउंड को छोड़ के खड़ा होइए। देखिए हमने के हिंदू के समाज